नमस्ते प्रियन, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नया चटपटा सा हेल्दी नाश्ता। सो प्रियन, चलिए हम फटाफट से बनाना इस नाश्ते को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले, हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेन, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी हम वीडियो नया नया डालें चटपटा सा नाश्ता बनाकर, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेन, ना देरी करते हुए और इस रेसिपी को बनाना फटाफट से स्टार्ट करें। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेन, हमें भी सपोर्ट कीजिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और फिलिंग तैयार करेंगे। तो आज बहुत ही चटपटा सा नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। आगे देखिए कैसे हम बनाते हैं, किस किस चीज सामग्री डालकर। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच के अंदाज तेल। तो हम यहाँ पे ज़्यादा तेल नहीं, तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच हम तेल डाले हैं फ्रेंड। और यहीं पे हम डालेंगे, ये देखिए इतना जीरा, हाफ टी स्पून जीरा है, साबुत जीरा। और जितना जीरा हम डाले हैं उतना ही हम साबुत सौंफ डाल रहे हैं। और यहीं पे दो हरी मिर्च लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, हरी मिर्च थोड़ा हवा में सूख गया है, क्योंकि आज गर्मी का मौसम है इसी चलते। और यहीं पर डालेंगे एक पिंच हींग, तो हींग बेसन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तेल हींग हम डाल दिए हैं। तो अब यहीं पे हम यहाँ पे एक प्याज, जिसे हम थोड़ा हल्का हल्का इस तरीके से काट लिए हैं, देख सकते हैं लंबा लंबा सा। तो सबसे पहले हम प्याज को भून लेते हैं फ्रेंड, और प्याज को भून कर सॉफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहीं पर हम डालते हैं मसाले, कुछ स्पाइस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, तो रेड चिली फ्लेक्स है, तो ये हम डाले हैं हाफ टी स्पून। और हाफ टी स्पून ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और कलर के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मसाले को हम भून लेते हैं। तो अब यहीं पे डालेंगे ये दो तीन हम आलू उबाल के रखे हुए हैं, तो आलू को डालकर और अपने मसाले और प्याज में इसे बढ़िया से भून लेते हैं। और इसे हम घोल लेते हैं ताकि इसमें भी घुटनी ना रहे। तो चलिए फिर इसे हम गिलास से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू को हम मैश कर लिए हैं। तो यहीं पे डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, तो जितना आप नमक खाते हैं उतना डालिए, कोई टेस्ट खाते हैं तो कोई धीम खाते हैं फ्रेंड, मतलब कि कोई मीठा खाते हैं, तो अपने हिसाब से अपना नमक डाल दे रहे हैं फिलिंग में। तो यहाँ पे हम नमक डाल दिए हैं, और अब हम चटपटा थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम डालेंगे ये हाफ टी स्पून गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला। तो चलिए फ्रेंड, हमारा फिलिंग बनकर तैयार है। तो यहीं पे हम डालेंगे नाश्ते की जान, हरी धनिए। तो ये देखिए, आज हम हरी धनिया के पत्ते मंगाए हैं अपने बच्चों से। तो हरी धनिया के पत्ते डालकर और इसे हम गैस को बंद कर लेते हैं, ज्यादा भूनेंगे नहीं, नहीं तो मेरा हरी धनिया इसमें खारा नहीं दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरा फिलिंग बनके तैयार है, तो हम आगे के काम कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ब्रेड से नाश्ते बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस ब्रेड का जो ये किनारा का जो ये रहता है, इसे हम निकाल देंगे कट करके। तो ये देखिए, हम इस तरीके से हम इसका कोर निकाल दे रहे हैं फ्रेंड। तो सारे ब्रेड में हम कोर निकाल दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड का कोर काट लिए हैं। तो ये हम बेलन लिए हैं, और इसको थोड़ा सा बेल कर हम और इसे पतला करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हम बेल कर और थोड़ा सा बड़ा साइज का कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने ब्रेड को बेल कर थोड़ा सा पतला पतला कर लिए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं कटोरी, और कटोरी में हम डालेंगे दो चम्मच चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो फ्रेंड तो बनाइए, क्योंकि इससे चावल का आटा से कुरकुरा बनता है, नहीं तो मैदा है तो मैदे से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चम्मच हम चावल के आटा डाल दिए हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये हम पानी डालकर और इसे पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। और हम डालेंगे यहीं पे थोड़ा सा नमक। तो हम चावल के आटे के घोल में हम हल्का नमक डालेंगे फ्रेंड। तो ये नमक हम डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं
थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर कलर के लिए सिर्फ। तो अपने फिलिंग को चेक कर लेते हैं कि हमारा फिलिंग ठंडा हुआ या नहीं। तो ये देखिए फिलिंग, हमारा फिलिंग ठंडा हो गया है। तो चलिए अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ले लिए ब्रेड हम, और इसके ऊपर हम अपने फिलिंग को रखेंगे इस तरीके से। तो जितना आए ब्रेड में उतना ही फिलिंग आप रखिए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम रख दिए हैं, और इसके किनारे पर ये हम जो बना के चावल के आटे का रखे हैं मिक्सर, इसके किनारे पे इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि मेरा बढ़िया से चिपक जाए। ये चम्मच से हम लगा दे रहे हैं फ्रेंड हल्का हल्का। तो देखिए हम लगा लिए हैं, और इसको हम इस तरीके के शेप में है, हम इसे बंद करेंगे। ये तीन कोन के शेप में फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, देख सकते हैं तीन कोन। तो चलिए हम इसी तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम नाश्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं और गैस को जला दिए हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और तेल डालकर फ्रेंड फटाफट से अपने नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम तेल डाल देते हैं। तो देखिए हम तेल डाल दिए हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया है, तो मेरे नाश्ते को फटाफट से बनाते हैं। तो ये देखिए ये जो हम चावल का घोल तैयार किए हैं, तो इसे हम थोड़ा सा घोल लेते हैं, क्योंकि चावल का आटा जो पेंदी में अंदर बैठ जाता है। तो यहीं पे हम एक नाश्ते को अपना उठाएंगे और इस घोल में इस तरीके से डीप करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से, और तेल मेरा गर्म है, एक एक करके हम डालते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड दो हम डाल दिए, और हम डाल लेते हैं, और एक तरफ से फ्रेंड हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे बढ़िया से। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिए, एक तरफ से बढ़िया से पक जाए उसके बाद ही पलटिए। तो इसे हम एक तरफ से धीमी आंच में क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम उलट लेते हैं उस साइड से, क्योंकि मेरा एक तरफ से बहुत ही क्रिस्पी पक गया है। तो आपको हम पलट के दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो चलिए हम दोनों को हम पलट लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड मेरा नाश्ता बनकर तैयार है, देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से मेरा बढ़िया सा कलर आ गया है और क्रिस्पी हो गया है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, और मेरा जो बच्चा है उसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम इसका साउंड सुना दे रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और करारा बना है। तो हम हाथ में लेकर इसे, तो देखिए कितना क्रिस्पी करारा बना है फ्रेंड। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं, उसके आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड हमारा सारा नाश्ता बनकर तैयार है, देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और करारा, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। बच्चे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड, और हमें सपोर्ट कीजिए दिल से। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं कोई बढ़िया सी रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फुल वॉचिंग फ्रेंड।